रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में अब 97.07% हो गया है। संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक 8,576 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,28,073 सैंपल्स की जांच हुई और अब तक कुल मिलाकर 2,62,14,905 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ई संजीवनी पोर्टल पर कल 4,693 लोगों ने टेली कंसल्टेशन किया, अर्थात घर बैठे उन्होंने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया। आप जानते हैं कि ई संजीवनी पोर्टल पर आप डॉक्टर से घर बैठे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात करके अपनी समस्या बताकर आप उनका परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और आपको जो प्रेस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर का वो भी आपको आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर, लैपटॉप वगैरह पर ही मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है जिसका आप घर बैठे उपयोग कर सकते हैं। और जिनको ऐसे लोग जिनके संक्रमण का खतरा रहता है, ऐसे लोगों को घर बैठे ही डॉक्टरों की सलाह मिल सकती है, उन्हें अस्पताल भी जाने की जरूरत नहीं होती। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक हम लोगों ने जो आयुष्मान भारत की योजना है उसके अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने का एक अभियान चलाया था और इस एक महीने के दौरान प्रदेश में 10,36,684 नए गोल्डन कार्ड बनाए गए। इसी दौरान 3,77,000 ऐसे परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया जिनके पास पहले से एक भी गोल्डन कार्ड नहीं था। सर्विलांस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,83,141 इलाकों में 5,07,218 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,12,88,971 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,20,60,964 है। कल प्रदेश में जो वैक्सीनेशन ड्राइव को लॉन्च किया गया कोविड के लिए, वो पहले दिन बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और छिटपुट घटनाओं के अलावा कोई भी बहुत गंभीर घटना हमें नजर में नहीं आई। कल कुल मिलाकर के 317 जगहों पर 22,643 लोगों को वैक्सीनेट किया गया और इसमें दोनों प्रकार की वैक्सीन का उपयोग किया गया, कोविशील्ड का भी उपयोग किया गया प्रदेश में और कोवैक्सीन का भी उपयोग किया गया। अगला चरण वैक्सीनेशन का, अगला राउंड जो हमारा है वो अगले शुक्रवार को अर्थात 22 जनवरी को होगा। 22 जनवरी को हम अगला राउंड करेंगे और उसके पश्चात फिर हम हर सप्ताह में 2 दिन वैक्सीनेशन का कार्य करेंगे जिसके बारे में सूचना आपको हम आगे देंगे। अगले राउंड की हमारी पूरी तैयारी हो रही है, वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है। सत्र में जो जिन बेनिफिशियरीज को लाभ दिया जाएगा, जिनको वैक्सीनेट किया जाएगा, उनकी सूची बनाई जा रही है और ये सूची जो बनाई जाती है वो कोविन पोर्टल, इसके लिए विशेष रूप से बनाया गया है, उस पोर्टल पर बनाई जाती है। और उस पोर्टल पर जैसे ही बेनिफिशियरी का सिलेक्शन होता है तो बेनिफिशियरी को जो भी इसका भी टीकाकरण होना है उसे एक SMS भी जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि अमुक तारीख को फला जगह पर इस अस्पताल में या इस केंद्र पर आपका वैक्सीनेशन होगा, ये SMS भी तुरंत चला जाता है। तो अगला जो सत्र होगा उसके लिए जिन लोगों को, अभी हम हेल्थ केयर वर्कर्स को ही वैक्सीनेट कर रहे हैं, जब हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे वैक्सीनेट हो जाएंगे उसके पश्चात हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा और उसमें जो 22 तारीख को वैक्सीनेशन है वो भी हेल्थ केयर वर्कर्स का है और जैसे ही उसमें हम बेनिफिशियरी की लिस्ट तैयार कर लेंगे उन सबों को सूचना मिल जाएगी। जब तक इसकी कोई निश्चित दवा नहीं आई है और जब तक आप वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं और आपके अंदर पूरी तरह से इम्यूनिटी नहीं आ जाती है, प्रतिरोधक क्षमता नहीं आ जाती है, तब तक आप सावधान सतर्क रहिए और सावधानी एहतियात के जो तरीके हैं उनको अपना करके संक्रमण से बचे रहिए, जिसमें अपने मुंह और नाक को ढककर रखना, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, लोगों से 2 गज की दूरी बनाना और अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहना ताकि आपके हाथ पर
कोई भी विषाणु ना आने पाए। दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इस पद्धति का, इस मंत्र का इस्तेमाल कीजिए और सावधान सतर्क रहकर संक्रमण से बचे रहिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। जैसा भी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, कल प्रदेश में पहला कोरोना का वैक्सीनेशन का दौर चला था, उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। लोगों से ये अनुरोध है कि किसी प्रकार के भ्रम में न रहें, वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित है और प्रथम चरण में ये स्वास्थ्य कर्मियों को, हेल्थ वर्कर्स को ये लगाई जा रही है, जिसका पहली खेप अब लगी थी, अगली शुक्रवार को लगाई जाएगी और ये प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहेगी। प्रदेश में सामान्यतः कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, रिकवरी की दर भी बढ़ रही है जो कि लगभग 97% से अधिक हो गई है और प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कम होना ये प्रदेश सरकार की एक विशेष रणनीति के कारण और उस पर एक लक्ष्यात्मक तरीके से जो कार्रवाई हुई है उसका परिणाम है कि अब 8,000 से कम एक्टिव केसेस रह गए हैं, उनमें से भी काफ़ी लोग अभी होम आइसोलेशन में हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो विशेष ये कोरोना के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें जो दो चीज़ें विशेष थीं कि एक तो अधिक टेस्ट किए गए, 72 टेस्ट से शुरू करके इसको 1,80,000 तक भी टेस्ट हुए हैं प्रतिदिन, और अब जबकि कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी दशा में 1,25,000 टेस्ट प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके इस संक्रमण के लक्षणों का जहाँ भी कोई पता लगे उसको तुरंत वहीं ख़त्म करके उसकी, कोरोना के संक्रमण की चेन को हम तोड़ने में सफल हों। विशेष एक रणनीति दूसरी जो अपनाई गई वो घर घर जाकर लोगों का हालचाल पूछना और उनसे संक्रमण के बारे में जानकारी लेना, जिसमें कि 2,62,00,000 टेस्ट हुए हैं और लगभग 17,20,00,000 लोगों तक लोग पहुंचे हैं। इस प्रकार लगभग 15,20,00,000 के आसपास लोग पहुंचे हैं, तो लगभग ये 18,00,00,000 की जनसंख्या को उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न एजेंसियों द्वारा जाकर उनका हालचाल पूछा गया है। कुल 24,00,00,000 की जनसंख्या है। इस प्रकार ये एक अभियान जो चल रहा है वो चलेगा, ताकि पूरी जनसंख्या भी एक दिन कवर हो जाएगी, सबको एक हालचाल पूछ लिया जाएगा और ये मदद कर रहा है प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को कम करने में। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन हॉटस्पॉट में कमी आ रही है और गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी 19 तारीख को फिर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ विभागों के नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे और इसी में जहां एक और सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न बैंकों से समन्वय करके लघु एवं सूक्ष्म उद्योग की उद्यम इकाइयों का स्थापना की जा रही है, जिससे कि रोजगार के अधिक अवसर पैदा हों। और ये कल तक 7,11,000 नई MSME इकाइयों को 23,533 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों द्वारा प्रदेश में वितरण किया गया है। इसका सभी बैंकों से निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 20,00,000 इकाइयों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि इससे कम से कम 80,00,000 का रोजगार पैदा हो। ये प्रयास जारी है और अब तक जो विद्यमान इकाइयां हैं 4,37,000, उनको भी 11,100 करोड़ के ऋण वितरण हुए हैं। इस प्रकार लगभग 11,47,000 इकाइयों को इस वर्ष बैंकों द्वारा लगभग 34,600 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हुए हैं। तो ये बैंकों से समन्वय करके इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है, ताकि स्वरोजगार के माध्यम से और उद्योग के माध्यम से प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करें। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी सरकारी विभागों, आयोगों, परिषदों को निर्देशित किया गया है कि अपने
अपने अपने कार्यालयों में जो जो रिक्तियां हैं उनको भरने की, पारदर्शिता के साथ भरने की तेजी से प्रक्रिया करें। इसके साथ साथ किसानों के हितों के लिए भी प्रदेश सरकार कृतसंकल्प है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनारस में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का उद्घाटन किया। किसानों की आय को दुगना करने का जो एक लक्ष्य सरकार लेके चल रही है, उसमें हॉर्टिकल्चर और जो एग्रीकल्चर से, कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियां हैं उनका बहुत असर है। और झांसी में किसानों द्वारा स्ट्रॉबेरी उगाई जा रही है। स्ट्रॉबेरी एक कैश क्रॉप है। स्ट्रॉबेरी से किसानों की प्रति एकड़ आय भी अधिक होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में सबको यही कहा कि सभी ये नई नई तकनीक से नए नए उत्पाद, सभी किसानों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और इसके लिए किसानों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वो अपनी उनकी आय बढ़ सके। और ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास था जो झांसी में उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कई जगह किसान अन्य इस प्रकार के एग्जॉटिक फ्रूट उगा रहे हैं, जैसे सुल्तानपुर में ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है जो कि फल को नीला वो निर्यात किया जाता है, इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए और इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जानी चाहिए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य सरकार उसको उस पर काम कर रही है और अभी तक वर्तमान में जो धान खरीदा जा रहा था उसमें 606 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है जो कि पिछले साल इसी समय इसी अवधि में खरीदे गए धान से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। सरकार द्वारा पिछले वर्ष के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा धान खरीदा जाना और उसका MSP के आधार पर धान खरीदा जाना ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति कितनी कृतसंकल्प है। वर्तमान में किसान कल्याण मिशन चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत विभिन्न किसानों से संबंधित कृषि विभाग और अन्य विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को का प्रचार प्रसार कर कृषकों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है तथा उन्हें उनकी आय कैसे दुगनी हो उस उन उपायों पर भी उनके साथ विचार विमर्श करके उसका प्रचार प्रसार करके उन पर अमल लाया जा रहा है। धन्यवाद।